आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदंबरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है। और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1,00,000 रुपए, उसके लिए हम 1 अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MSP कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए, ये न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे। जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है यह जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ
भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स, मैं संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं, और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे, और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो, इसके लिए नेचुरल डिसास्टर, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है, और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है, और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे, और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का, देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु, पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, परखें, इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा, और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू एंटी पब्लिक आर डिस्यू द इलेक्ट्रेट हैड बीन प्लेस्ड बिफोर देम, ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाट वॉज कैपेबल ऑफ अचीवमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अलोन वॉज प्रेजेंटेड। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी, जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था, और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं, और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139
139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये जो चिदंबरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटोर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद
रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं, 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच, क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। थैंक यू। अनलाइक मेनी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, आई कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इज दैट दिस इज ए मच क्लोजर इलेक्शन देन इज बीइंग propagated by the media. It is a close election and we are going to fight an excellent election and we are going to win the election. Thank you. Please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. India Shining with 2-3 new dimensions. International dimension. All sorts of new dimensions. Full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. Thank you.